तो 12:15 बज गए रात के और अभी है चाची का बर्थडे आज, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। सरप्राइज प्लान है, छोटा सा केक लेकर आए हैं, फ्रिज में नीचे रखा हुआ है, चाची ऊपर सो रही हैं, तो बस अभी सब लोग मिलके ऊपर जाने वाले हैं, सरप्राइज कर देते हैं। चलो दिन हो गया, अब ऐसे बोलते सर मुंडा बोलने पड़े, छत पे आए थे 7-8 मिनट पहले और यहाँ हो रही है बारिश, अब ये खड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी कमरे के अंदर तो आ चुके हैं, एक सेटअप कर दिया इसे ले करके दूसरे वाले कमरे में जाएंगे। बाकी लोग आए नहीं, बाकी सब बाहर है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो पोल खुल जाएंगे तो पीछे वो देख रहे हो। वैसे क्या बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, ड्रीम कैचर मुँह से निकल ही नहीं रहा है, इतना भी देसी है ये ड्रीम कैचर। इसमें लाइट वाइट भी जलती है, पता नहीं क्या करता। और ये पांडा, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, ये कुछ नहीं तो 5-5.5 फुट का होगा ये। इसकी हमने कमर तोड़ दी है तो जब से इसकी पीठ टूट गई है ये गद्दे की तरह इस्तेमाल होता है। मजाक कर रहा हूँ, सॉफ्ट है ना, तो बैठा हुआ है तो झूला हुआ है। हैप्पी बर्थडे तो सुबह के बज गए हैं करीबन 8 और उठना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि नैनी का आज एग्ज़ाम है और उसके स्कूल से लेकर रानी आंसर शीट 8:30 बजे से एग्ज़ाम है, सिर्फ 1/2 घंटा है मेरे पास, तो बहुत ही जल्दी तैयार होकर निकलना पड़ेगा स्कूल के लिए उसके। तो चलिए चलते हैं। और यार मौसम इतना सूदिंग हो रखा है ना, क्या ही बताऊँ आप। अरे जो ट्यूबलाइट का वो बना दिया मुझे एडवर्ड इतना गोरा फिलहाल बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यार, बार बस मुँह हाथ धुलता हूँ और निकलता हूँ नैनी के स्कूल, नहीं तो लेट हो जाऊँगा वो, क्योंकि अभी अपलोडिंग वाला काम भी नहीं किया है, तो आज की वीडियो फिर कहीं लेट ना हो जाए। तैयार तो पूरी है लेकिन अपलोड नहीं है, कर लेते हैं वाला काम। चले यार बहुत जल्दी से, क्योंकि पता नहीं यार अब कैसे ही मैनेज होगा, अब नैनी के साथ बैठना भी है उसके एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में चीटिंग वीटिंग नहीं होगी, ओए वो नहीं सोचेगा चीटिंग हो रही है तो अभी जा रहा हूँ मैं, आज सीट लेकर आता हूँ बहुत जल्दी से, फिर भूख भी लग रही है और सबसे पहला काम अपलोडिंग कर करूँगा आते ही। चलो सुन निकलते हैं यार, अब गेट भी खोलना पड़ेगा। तो ये पीछे नैनी का स्कूल लामा टीना और आंसर शीट्स मिल गई हैं, मैनेजर सर जो थे उन्हीं से सीधे बात करने के लिए मैं चला गया था, तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के। और उसके बाद बस यही है कि अब मैं घर की तरफ ही निकल रहा हूँ। इधर तो हो गया ना भैया सर, पीछे यहाँ डिटेल फिल कराई जाती है तो वो भी कर दी है, बस घर निकलता हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया यार, अभी वीडियो कैसे अपलोड होगी ये नहीं समझ आ रहा मुझे। तो यार जस्ट अपलोडिंग वाला काम तो कम्प्लीट हो गया है, ये वीडियो का कुछ अवशेष बचे मुझे, अभी मैं जाऊँगा ऊपर, 6 मिनट लेट हूँ, 36 नैनी का एग्ज़ाम चालू हो गया, तो मैं जाके उसे आंसर शीट देकर आ जाता हूँ। अभी हो सकता है लिंक नहीं आया होगा इसीलिए उसने मुझसे कहा नहीं, तो मैं आंसर शीट पहुँचा देता हूँ उसकी बस, ताकि वो एग्ज़ाम दे पाए उन्हें अच्छे से। और हाँ यार चाय ठंडी हो गई ऐसी पड़े हुए, बस इसे बंद कर देता हूँ, चाय ठंडी हो गई है तो दोबारा गर्म हो जाएगी, नहीं तो कोई और पीनी होगी किसी और को तो वो पी लेगा। चाय ठंडी हो गई हाँ यार, ये खाली चाय पी लेता ना उससे मन अजीब हो जाता है मेरा, दूध की स्मेल अजीब लगती है, जो टेस्ट रह जाता है ना आफ्टर टेस्ट, और वो सब आफ्टर टेस्ट तो नहीं, वो तो चला ही जाता है ऑब्वियसली, लेकिन स्मेल जो होती है वो अजीब लगती है। तो दादी का खाना तो दे दिया मुझे, भी लग रही है भूख, मैं भी जा रहा हूँ सीधा खाना खाने के लिए।
आज एक्सरसाइज चालू कर दूँगा, मैं दोपहर में करूँगा पॉसिबली, और बस अभी खाना खा के निपटता हूँ। क्या भैया? मटर की सब्जी, रायता और चावल। तो शाम को बज के 5 और मम्मी के साथ जा रहा हूँ फिलहाल, तो सामान लेने के लिए ही पास था, बस निकल चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। तो यार इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ हो रही थी वीडियो की, इसलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट में निकाल दूँ। आज वाला पार्ट आज आप देख सकें, एक पार्ट कल आएगा वो भी देख लीजिएगा। चैनल पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं आप, थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तक के लिए तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 अब यहीं से ही चालू होगा, तो वो भी देखना मत भूलना, उसमें तो और मज़ा आएगा।